आज इस वीडियो में हम जिस मात्रा का अभ्यास करेंगे वह हमारी बह की मात्रा। बह की मात्रा कैसी होती है? वो दो बिंदुओं के रूप में होती है, इसे अक्षर के आगे लगाया जाता है इस तरह से। चलिए हम इसी को जोड़ करके देखते हैं। न जमा म जमा अह की मात्रा नमः। श जमा नय जमा अह की मात्रा शने। अह की मात्रा इसके आगे लगाई जाएगी। द दबे की मात्रा जमा अह की मात्रा जमा खी दू खी। इसे इस तरह से लिखा जाएगा बेटा दुखी। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। नमः शरण दुखी। अह का साउंड आना चाहिए, अह का उच्चारण आना चाहिए। चलिए इसके कुछ शब्द पढ़ते हैं। उ नमः फ ल त अह फलतः अ नु त त ह अंततः मु ल तह मूलतः अ तह अतः। फिर से एक बार देख लीजिए।